आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल जो है, सेल इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। इट इज़ सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ, कोई भी स्ट्रक्चर जो बना हुआ होगा, वो किससे बना हुआ होगा? एक सेल से बना हुआ होगा। जैसे मान लो एक घर है, ठीक है, ये घर जो है किसी ना किसी ईंट से बना होगा। एक ईंट होगा, फिर एक ईंट, धीरे धीरे पूरा बन गया होगा, ठीक है। इसलिए सेल को है क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहा गया है। सेल को क्या कहा गया है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसी में इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। तो सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है, अब इस बात को समझते हैं। हमने समझा कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। तो देखो, जितना काम एक ह्यूमंस करता है, कहने का मतलब हो गया लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए जितना काम एक ह्यूमंस करता है, उतना ही काम एक सेल भी करता है। सेल भी डाइजेशन करता है, सेल भी एब्जॉर्प्शन करता है, सेल भी इजेशन करता है, सेल भी इंजेशन करता है। तरह तरह का फंक्शन जो होता है वो एक सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो एक ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है, जिसके कारण इसको जो है फंक्शनल यूनिट कहा जाता है और फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो अब बिल्ट होगा वो किससे मिलके बिल्ट होगा? सेल से मिलके। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेल जो है वो सारा फंक्शन करता है जो कौन करता है? एक ह्यूमंस करता है, एक ऑर्गेनिज्म करता है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर सेल, छोटा छोटा सेल मिलके बनाता क्या है। इससे पहले हम लोग समझेंगे ये यूनिट का है, लिखते हैं यूनिट क्या है। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। यूनिट का मतलब होता है इकाई। इकाई कहने का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का सबसे छोटा भाग। तो यानी कोई चीज़ बना हुआ होगा तो उसका सबसे छोटा पार्ट, समझ में आ रहा है? कोई एक ब्लॉक बना हुआ है तो उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? सेल होगा। तो कहने का मतलब हुआ, वो जो बना उसका सबसे छोटा पार्ट जो हुआ वो हमारा सेल हुआ। यानी सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं। अब समझो आखिर ये सेल मिल मिल के बनता क्या है। ठीक है, सेल अब क्या करेगा? कंबाइन करके तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं। एक सेल, दो सेल, तीन सेल बना तो ये एक टिश्यू हो गया। जैसे घर में देखेगा कि ईंट बिछा, ठीक है, ईंट बिछा, तो अगर ये ईंट के बीच में सीमेंट दे दिया तो ये सब ईंट जुड़ गया, सारा ईंट जुड़ गया। अब ये पूरा ईंट जुड़ गया तो एक लाइन में इस पूरा ईंट जो आ गया, इस पूरे ईंट का जो कॉम्बिनेशन हो गया, इसी को हम लोग टिश्यू कह गए। यानी ये मेरा सेल रहा और इस पूरे के ग्रुप को हम लोग क्या कह दिए? टिश्यू कह दिए। समझ में आया? अब देखो, टिश्यू वो जिस समय ग्रुपिंग करने लगता है, टिश्यू जिस समय कॉम्बाइन करने लगता है, तब वो बनाता है ऑर्गन। क्या बनाता है? ऑर्गन। और ऑर्गन जब कंबाइन करने लगता है तब ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। अब क्या होगा कि ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा? एक ह्यूमंस का निर्माण होगा, और कहे तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऑर्गेनिज्म को, बेटर टू से ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से क्या होंगे? पॉपुलेशन बनेंगे।
पॉपुलेशन से हमारा डाइवर्सिटी बनेगा। समझ में आया? तो सेल क्या था? बेसिक यूनिट था और फंडामेंटल यूनिट था, ठीक है। सेल से हम लोगों ने देखा टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम क्या, हाँ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा तो पॉपुलेशन होंगे, पॉपुलेशन होंगे तो डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब क्या होता है कि सेल के बाद, सेल में हम लोगों ने देखा टिश्यू देख लिया, ऑर्गन देख लिया, ऑर्गेनिज्म देख लिया, डाइवर्सिटी देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया। अब चलो अब बात करेंगे हम लोग कि साइटोलॉजी क्या होता है। एक टर्म हम लोग के पास आएगा साइटोलॉजी, कौन सा टर्म आएगा, साइटोलॉजी। देखो साइटोलॉजी जो टर्म है इसको कहते हैं स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर होता है हमारा साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या होगा, साइटोलॉजी। कोई कहे कि हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो किसका बात कर रहा है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का बात कर रहा है, ठीक है। ये सब टर्म जानना है बस। अब देखो अभी हम लोगों ने बात किया कि सेल मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात ये है कि आखिर इन सारे चीज़ों का ज़रूरत क्यों पड़ा। जब आपके पास कोई चीज़ है इसका मतलब उस चीज़ का ज़रूरत है, तब तो वो आपके पास है, जिसका ज़रूरत नहीं उसका महत्व नहीं, ठीक है। अब देखो इसका ज़रूरत पड़ा क्यों, क्योंकि ह्यूमंस बीइंग जितने भी लाइफ प्रोसेस करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं, हर एक लाइफ प्रोसेस के लिए उनको हर एक इंडिविजुअल चाहिए, इंडिविजुअल फंक्शन के लिए उनको इंडिविजुअल ऑर्गन चाहिए, इंडिविजुअल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल फंक्शन चाहिए। जैसे हम लोग देखेंगे आगे टेंथ में कि जिस समय एक चैप्टर ही पढ़ना होगा लाइफ प्रोसेस, वहाँ हम लोग देखेंगे कि फूड पाइप के लिए अलग नली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। विंड पाइप के लिए अलग नली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। स्टोमक अलग होता है स्टोरेज के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन अलग होते हैं, ये सब क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करेंगे और ये सब ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो मेनली हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा हम लोग बहुत जान गए, अब हम लोग सेल पे डिस्कस करेंगे। इतना बात समझ में आया, अभी जो जो बताएं कोई दिक्कत नहीं, चल। अब देखो जब सेल स्ट्रक्चर फंक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा साइटोलॉजी, और इसी को कोई कोई सेल बायोलॉजी भी बोल देता है, इसी को कोई कोई सेल बायोलॉजी भी बोल देता है। तो सेल बायोलॉजी टर्म रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इतना बात समझ में आया, चलो अब बात करेंगे ये सेल आया कहाँ से। तो एक साइंटिस्ट का नाम याद आता है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक वॉज द साइंटिस्ट। उन्होंने एक बुक लिखा था, ही रॉट अ बुक, जो बुक उन्होंने लिखा था उनका नाम है माइक्रोग्राफिया। उनका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इस सेल टर्म का यूज किया था, इस सेल टर्म का यूज उन्होंने माइक्रोग्राफिया में किया था, ठीक है। एक बुक था माइक्रोग्राफिया जो किनके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। उसमें क्या हुआ कि सेल का चर्चा चला था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक क्या हुआ, हाँ फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक एक बुक लिखे थे माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल का चर्चा किया था। उन्होंने सेल को पहली बार जो ऑब्जर्व किया था वो किया था पीस ऑफ कॉर्क में, जो क्या था, एक डेड सेल था। क्या था डेड सेल था, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको हम लोग सेला कहते हैं, ग्रीक वर्ड जो होता है इसका, उसको हम लोग सेला कहते हैं। सेला इज ए ग्रीक वर्ड, सेल का ही ग्रीक वर्ड है क्या, सेला। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो क्या है, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हैं क्या। उसी तरह क्या है कि सेल शब्द भी जो है वो एक ग्रीक शब्द से डिराइव्ड हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेला।
सेला इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्पेस और चैम्बर। इसका मतलब सेला का मतलब होता है स्मॉल स्पेस और चैम्बर। इतना बात समझ में आया, सेला इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्मॉल स्पेस और चैम्बर, ठीक है। स्मॉल स्पेस और चैम्बर को ही उन्होंने, इसी चैम्बर को उन्होंने क्या कह दिया था, सेल कह दिया था, सेल कह दिया था, ठीक है। तो इसमें याद रखने योग्य बात क्या हुए कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को का खोज किया था, और कौन से बुक को पढ़े थे वो लिखे थे, माइक्रोग्राफिया बुक को, ठीक है। इतने बात याद करने योग्य थे। चलो देखो, बायोलॉजी को हम लोग समझे तो उतने हार्ड नहीं है बायो, ठीक है, बायो इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हार्ड बना दिया जाता है, ठीक है, चूँकि ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है और लोग कहते हैं ये रटने का सब्जेक्ट है, फिर भी हम कोशिश तो यही करेंगे कि तुम लोग के लिए इजी हो जाए। चलो अब मेनली एक और साइंटिस्ट आएंगे, ल्यूवेन हुक, क्या नाम है उनका, ल्यूवेन हुक, उनका नाम है ल्यूवेन हुक, इन्होंने लिविंग ऑर्ग लिविंग सेल का खोज किया, लिविंग सेल का क्या हुआ, एल डबल ई यू डब्ल्यू ई एन एच ओ ई के, ल्यूवेन हुक, इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। अभी हम लोग पीछे देखे कि डेड सेल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, ठीक उसी तरह ल्यूवेन हुक वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंड कॉल देम एनिमल कुली कहा इन्होंने, उसी सेल को ल्यूवेन हुक ने एनिमल कुली कहा। समझ में आ रहा है, सेल ही था लेकिन ल्यूवेन हुक जो लिविंग सेल को खोजे उनको नाम दिए वो एनिमल कुली। इतना बात समझ में आया। चलो कोई पूछे एनिमल लिविंग सेल मतलब वो लिविंग सेल ये खोजे, अभी रॉबर्ट हुक हम लोग देखे कि डेड सेल का खोज किए, ठीक है, उसी प्रकार ल्यूवेन हुक जो थे वो लिविंग सेल का खोज किए और उनका नाम दिए वो एनिमल कुली। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली सेल थ्योरी पे, हम लोग को जनरली इसमें पढ़ना पड़ता है सेल थ्योरी को, कुछ हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है उसके टर्म हम अपलोड कर देंगे। देखो हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी मेनली, ठीक है, सेल थ्योरी जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो नाम आता है एमजे सेडान, दो बोटनिस्ट ब्रदर थे, ब्रदर कहने का मतलब भाई थे, एमजे एक थे एमजे सेडान, एस सी एच एल ई आई डी एन, 1838 में, और एक थे इन्हीं के भाई टी स्वान, एस सी एच डब्ल्यू ए डबल एन, ठीक है, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, और सेडान जो थे ये बोटनिस्ट थे, ठीक है। देखो बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है, बोटनिस्ट कहने का मतलब हो गया दोज हु स्टडी अबाउट बॉटनी, जूलॉजिस्ट कहने का मतलब हो गया दोज हु स्टडी अबाउट जूलॉजी। अब ये जूलॉजी क्या होता है और बॉटनी क्या होता है, बॉटनी मतलब हो गया फॉरेस्ट और जूलॉजी मतलब हो गया एनिमल, मतलब जो प्लांट वगैरह का स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं और जो एनिमल वगैरह का स्टडी करते हैं वो जूलॉजिस्ट होते हैं। अब देखो कैसे याद रखेंगे कि याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं हो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट में। अब बताओ जू मतलब क्या होता है, जू चिड़ियाघर, जू मीन्स हो गया चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में क्या रखा जाता है, एनिमल और प्लांट, एनिमल को, यानी एनिमल का जो स्टडी करेगा वो जूलॉजिस्ट होगा और प्लांट का जो स्टडी करेगा वो क्या होगा, बॉटनिस्ट होगा। इतना बात समझ में आया, जूलॉजिस्ट क्या होगा, बॉटनिस्ट क्या होगा, ठीक। अब देखो नाउ फैक्ट आर इन 1938 में, इन 1938 एम जे सेडन जिनको हम लोग नाम दिए थे अभी, एम सेडन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे,
उन्होंने क्या किए कि एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किए, उन्होंने क्या किए लार्ज नंबर ऑफ कहने का मतलब बहुत सारे प्लांट पे उन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया। वो कब किए 1938 में, ठीक है, बहुत सारे प्लांट पे इन्होंने स्टडी किया 1938 में। एम सेडान जो क्या थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है। उन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट थे, मान लो एक प्लांट, दो प्लांट, तीन प्लांट, चार प्लांट, पांच प्लांट, छह प्लांट, तो जितने प्लांट थे, ठीक है, तो अब सारे के सारे प्लांट को उन्होंने स्टडी किया तो हेलो, जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि सारे प्लांट जो थे, चलो हम लोग बात कर रहे थे कि एम सेडन जो थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पे चर्चा किए और मतलब स्टडी किए, और उन्होंने बताया कि डिफरेंट प्लांट जो थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बने हुए थे, और वही सेल जो था क्या था, टिशू, जिस सेल से क्या था, टिशू बना हुआ था, इसी सेल से टिशू बना हुआ था, ठीक है। हाँ, तो ये एक हमारे पास क्या आ गया, एक थ्योरी ये आ गया सेल थ्योरी में कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो क्या चीज़ से बने हुए थे, सेल से बने हुए थे। फर्स्ट थ्योरी तो ये आ गया यहाँ से, इनके स्टडी से, किनके स्टडी से, एम सेडान के स्टडी से, जो 1938 में हुआ, ठीक है। ये प्लांट भी किए थे। अब देखो, अब 1800 सॉरी ये 1938 में नहीं, ये 1838 कर लो इसको।